जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर पार्ट पहले करेंगे। फोर पार्ट में ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 456 और ये सेकंड नंबर है 150। इस पार्ट में हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 456 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, इनका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे, इसमें ये फर्स्ट नंबर ऊपर लिख देंगे 456 और आगे वाला इसके नीचे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस जीरो को ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले जीरो को इस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो बन जाता है। अब इस ज़ीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो भी यहाँ आएगा। अब इसके बाद इस ज़ीरो को इस फोर से मल्टीप्लाई करें तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा यहाँ। अब हम इस फाइव को ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस नंबर के नीचे क्रॉस लगाएंगे, पहले ज़ीरो के नीचे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव सिक्स ज़ार 30 होता है, 30 का ज़ीरो इस ज़ीरो के नीचे आएगा और थ्री कैरी इस फाइव के ऊपर आ जाएगा। अब फाइव को इस फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आएगा, 25 में थ्री प्लस करेंगे तो 28, 28 का 8 इस ज़ीरो के नीचे लिखेंगे और टू इसके ऊपर कैरी आ जाएगा। अब फाइव को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर फाइव था 20, 20 प्लस टू करेंगे तो ये 22 ही आएगा, यहाँ 22 लिखेंगे। अब इस वन को ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसके नीचे अब दो क्रॉस आएंगे, एक इसके नीचे आ जाएगा और इस एक इन ज़ीरो के नीचे आएगा और ये ऊपर वाले कैरी भी ख़त्म करेंगे, ये और ये। अब इस वन को पहले सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स ही आएगा, सिक्स इस एट के नीचे लिखेंगे। अब ये वन को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो फाइव वन टाइम फाइव ही होता है, फाइव यहाँ लिखेंगे। अब वन को फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर वन ज़ार फोर, फोर यहाँ आ जाएगा। अब इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो पहले ये ज़ीरो ऐसे नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये ज़ीरो में ज़ीरो प्लस करेंगे ये भी ज़ीरो आ जाएगा। अब ये ज़ीरो में एट प्लस करेंगे एट ही आएगा, एट प्लस सिक्स कर देंगे फोर्टीन, फोर्टीन का फोर यहाँ लिखेंगे, वन यहाँ कैरी आएगा। अब ये वन टू में प्लस कर देंगे थ्री आएगा, थ्री प्लस फाइव एट, एट यहाँ लिखेंगे। अब ये फोर प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा सिक्स, ये सिक्स यहाँ आएगा। अब इसी तरह फोर पार्ट का यही आंसर होगा 68,400। अब ये वाला आंसर हम इस ब्लैंक में लिख देंगे 68,400। अब इसी तरीके से हम ये इसका फाइव पार्ट करेंगे, फाइव पार्ट में हम 372 को मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से, इनका भी जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 372 ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे आएगा 84। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम पहले इस फोर को ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले फोर को इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू ज़ार एट, एट यहाँ लिख देंगे। अब ये फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर सेवन ज़ार 28, 28 का एट यहाँ आएगा और टू इसके ऊपर कैरी आएगा। अब ये फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री ज़ार 12, 12 में टू प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 ही यहाँ लिखेंगे हम। अब हम इस एट को मल्टीप्लाई ऊपर वाले तीनों डिजिट से करेंगे, तो पहले इस एट के नीचे क्रॉस लगाएंगे और ऊपर वाला ये कैरी भी ख़त्म करेंगे। अब पहले हम इस एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एट टू ज़ार 16, 16 का सिक्स इस एट के नीचे लिखेंगे और वन कैरी यहाँ आ जाएगा। अब एट को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 56 में वन प्लस कर देंगे 57, 57 का सेवन यहाँ आ जाएगा और फाइव इसके ऊपर कैरी आएगा। अब एट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, एट थ्री ज़ार 24, 24 में फाइव प्लस करेंगे तो 29 आएगा, 29 ही यहाँ लिखेंगे। अब इन नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो पहले ये एट ऐसे ही नीचे आएगा क्योंकि इसके नीचे क्रॉस है। अब एट में सिक्स प्लस करेंगे तो 14, 14 का फोर यहाँ आएगा, वन कैरी यहाँ आ जाएगा। अब ये वन फोर में प्लस करेंगे फाइव, फाइव प्लस सेवन 12, 12 का टू यहाँ आएगा और वन कैरी यहाँ आ जाएगा। अब ये वन इस वन में प्लस कर देंगे टू आएगा, टू प्लस नाइन 11 बन जाएगा, 11 का वन यहाँ लिखेंगे तो वन यहाँ कैरी आएगा। अब ये वन टू में प्लस कर देंगे तो ये थ्री बन जाएगा। अब इसी तरह फाइव पार्ट का यही आंसर होगा 31,248। ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में 31,248।